हेलो दोस्तों, नमस्ते। सुलेख विलेज किचन में आज आप सबका फिर से स्वागत है। आज हम अपने किचन में बनाने वाले हैं पालक का चटपटा नाश्ता। तो इसे बनाना बहुत ही आसान है, तो हमारे वीडियो के साथ आप सब बने रहिएगा। तो चलो हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने पालक का पत्ता लिया है, हमने इसे अच्छे से वाश कर लिया है। आप सबको पालक के डंठल को नहीं लेना है, सिर्फ इसका पत्ता भी लेना है। पालक को हम इसी तरह काटेंगे, थोड़ा सावधानी से। पालक हमारा कट चुका है, अब हम इसमें हरा धनिया की पत्ती काटते हैं। हरी धनिया की पत्ती हमने काट लिया है, अब हम दो हरा मिर्चा लेते हैं, अब इसे भी बारीक काट लेते हैं। अब हम तीनों चीज़ों को अलग अलग एक बर्तन में रख लेते हैं। सबसे पहले हमने एक कटोरी बेसन लिया है, एक चौथाई भाग हमने मैदा लिया है। बेसन को हम चलनी से चाल लेते हैं, चालने से हमारा गुठली नहीं बनता है। अब हमने बेसन को चाल लिया है, यह बेसन हमारा एकदम फ्रेश हो चुका है। अब हम अपना मैदा जो लिए हैं इसी में डाल देते हैं। अब इसे अच्छे से हम मिक्स कर देते हैं। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लिए हैं, अब हम एक बाउल में इसे रखते हैं। बेसन को हमने एक बाउल में रख लिया है, अब हम सबसे पहले इसमें पालक डालेंगे। अब इसके बाद हम हरा धनिया की पत्ती ऐड करते हैं। अब इसके बाद हम कटा हुआ हरा मिर्च डालते हैं। अब इसके बाद हम आधा चम्मच इसमें जीरा डालते हैं। अब इसके बाद हम इसमें लाल मिर्च डालते हैं। इसके बाद हम इसमें हल्दी डालते हैं। अब इसके बाद हम इसमें गर्म मसाला डालते हैं। अब इसके बाद हम एक चम्मच धनिया पाउडर डालते हैं। अब इसके बाद हम इसमें अजवाइन आधा चम्मच डालते हैं। इसे हम हाथ में लेकर थोड़ा रख कर देंगे। अब इसके बाद हम स्वाद अनुसार इसमें नमक ऐड करेंगे। अब इसके बाद हम इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसे हम पानी डालकर इसका पतला घोल बनाते हैं। ये हमारा पतला घोल बनके तैयार हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेस को। अब हम लेते हैं तीन उबला हुआ आलू, अब इसे हम कद्दूकस कर लेते हैं। आलू को हमने कद्दूकस कर लिया है, अब इसे हम बनाना शुरू करते हैं। गैस को हमने ऑन कर दिया है, अब अपनी कढ़ाई हम इस पर रखते हैं। अब इसके बाद हम इसमें अपनी कढ़ाई में तेल डालते हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है, सबसे पहले हम इसमें सौंफ डालेंगे। अब इसके बाद हम हींग डालेंगे। ये हमारा धीरे धीरे हो रहा है, अब अपना घोल हम इसमें डालेंगे। अब इसे हम थोड़ा सा चला देते हैं। इस घोल को हम चलाते हुए पकाएंगे, इसे हम गाढ़ा करेंगे। ये हमारा धीरे धीरे गाढ़ा हो रहा है, इसे हम और गाढ़ा करेंगे। ये हमारा गाढ़ा हो गया है, अब इसमें हम आलू डालते हैं। इसे भी हम अच्छे से मिक्स करते हैं। आलू को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है, अब इसे हम चलाते हुए पकाएंगे, इसका सारा पानी सूख जाए। ये हमारा बिल्कुल पानी सूख गया है, अब इसे हम निकाल लेते हैं। अब हम लेंगे एक थाली, अपनी थाली में हम थोड़ा इसमें तेल लगा देते हैं। लगाने के बाद हम अब इसमें हम पलट लेते हैं। रखने के बाद हम थोड़ा हाथ में तेल लगाकर इसे थपथपा देते हैं। अब इसे हम ठंडा होने के लिए आधा घंटा के लिए रख देते हैं। हमारा आधा घंटा हो गया है, ये हमारा बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब इसे हम पीसेस में काट लेते हैं।
जैसे हमने काट लिया है अब इसे निकालना शुरू करते हैं। ये हमारा कितना अच्छा दिख रहा है, कितना अच्छा से कटा हुआ है, एक भी नहीं टूटा है। इसे सारे पीस को हम निकाल लेते हैं। अब हम इसे डीप फ्राई करना शुरू करते हैं। आप इसे स्लो फ्राई भी कर सकते हैं। तो हमने ऑन कर दिया है, अब अपनी कढ़ाई हम इस पर रखते हैं। अब हम इसमें तेल डालते हैं। अब हम अपने तेल को गर्म होने देते हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब अपना हम इसमें तलना शुरू करते हैं। इसे हम तुरंत नहीं चलाएंगे, इसे हम एक तरफ पकने देते हैं। अब इसे हम दूसरी तरफ पलट देते हैं। एक तरफ मेरा हो गया है, अब इसे हम दूसरी तरफ पलट देते हैं। ये हमारा कितना अच्छा लुक दिख रहा है, हम इसे कितने अच्छे से डीप फ्राई कर रहे हैं। आप इसे स्लो फ्राई भी कर सकते हैं। ये हमारा धीरे धीरे भूरा कलर हो रहा है, ये हमारा ब्राउन कलर हो गया है। अब इसे हम निकाल लेते हैं। आप सब देख सकते हैं ये कितना अच्छा हमारा ब्राउन कलर दिख रहा है, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। इसी तरह हम सारे पीसेस को तल के निकालेंगे। ये हमारा एक तरफ हो जाएगा, तब हम इसे दूसरी तरफ पलटेंगे। इसे हम बिल्कुल पहले जैसा पकाएंगे। ये हमारा एक तरफ हो गया है, अब इसे हम दूसरी तरफ पलट देते हैं। अब इसे हम दूसरी तरफ पकने के लिए छोड़ देते हैं। इसे हम बिल्कुल ब्राउन कलर करेंगे। ये हमारा बिल्कुल ब्राउन कलर हो चुका है, अब इसे हम निकाल लेते हैं। आप सब देख सकते हैं ये भी हमारा ब्राउन कलर हो चुका है, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो दोस्तों, ये हमारा पालक नाश्ता आप सबको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताना। अगर हमारी वीडियो आप सबको पसंद हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप सब नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलना, साथ में बेल आइकन की बटन भी दबाना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।